और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की। हम पढ़ रहे हैं अरिहंत पब्लिकेशन के हिंदी मीडियम की बुक मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 और ये मात्राओं की तुलना। इसके पहले हम लोगों ने इसके 52 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, आज हम उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो बच्चा तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो। और साथ ही साथ अगर आप एकेडमिक एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो या फिर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हो तो उसके लिए अपना एक दूसरा चैनल है पढ़ लिया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, 53 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या दिया गया है कि गोपाल ने 5,000 रुपए का कुछ भाग 4% पर तथा कुछ भाग 5% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर उधार दिया। 2 वर्ष के उपरांत कुल ब्याज ₹420 हुआ, तो उधार दी गई राशियों का अनुपात क्या है? ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं इसके दो भाग हैं, एक पहला मतलब दो भाग किए 5,000 रुपए के, पहला भाग और दूसरा भाग। ठीक है, तो पहला भाग अगर हम मान लेते हैं कि ₹X हो तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा? अगर पहला भाग हमारा एक्स है तो दूसरा भाग हमारा कितना हो जाएगा भाई? 5,000 माइनस ₹X हो जाएगा। बताओ ये बात आई समझ में कि नहीं? ये मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में भी आपको समझाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जाकर प्लेलिस्ट में इसके पहले की वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है ना, तो यहां पर ये क्या कह रहा है कि अगर यहां पर ₹5,000 कुल थे उसके पास, उसने पहली मतलब उसका कुछ भाग जो है वो 4% पर और कुछ भाग जो है वो 5% के साधारण ब्याज पर उधार दिया। तो ये समझने वाली चीज ये है, जैसे मान लेते हैं, बहुत छोटी सी चीज समझते हैं कि अगर आपके पास ₹100 हो और आपके भाई या बहन ने आपसे ₹40 ले लिए, तो आपके पास कुल कितना बचा होगा भाई? ₹60 बचा होगा। बचा होगा कि नहीं? इसी 100 में से इसी 40 को कम कर दो, तो उसी तरह से यहाँ पर ये x था तो आप कितना बचेगा? 100 माइनस x बचेगा। बात आई कि नहीं समझ में? वैसे ही यहाँ पर हमारा ₹5,000 था कुल, तो कुछ भाग उसने 4% पर और कुछ भाग उसने 5% दिया 5% पर, तो मान लेते हैं कि जो पहला भाग था वो एक्स था, तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा हमारा? 5,000 माइनस x हो जाएगा। क्लियर है ना बात? अब ये कह रहा पहले भाग को उसने 4% पर, ठीक है, तो इसका साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता ही नहीं पता है भाई? साधारण ब्याज का फॉर्मूला तो पता ही होगा ना। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यही तो होता है। बस यही चीज आपको लगानी है, बाकी तो कुछ करना ही नहीं है, है ना? तो अगर हम मान लेते हैं मूलधन हमारा ये एक्स था और दर जो है वो 4%, समय कितना है अगर क्वेश्चन पढ़ो तो 2 वर्ष के उपरांत, मतलब 2 साल समय, तो बटे 2, ठीक है, गुणे 2 और ये बटे 100 हो गया। दूसरे वाले पे कितना दिया इसने? 5,000 माइनस ₹X था, 5% की दर पर दिया, 2 साल के लिए दिया और बटे 100, क्योंकि ये फार्मूला है। तो इन दोनों का जो ब्याज मिला वो जोड़ने पर उसे कुल कितना मिला? ₹420 मिला। बताओ ये बात आई समझ में? ठीक है ना, कुल कितना मिला उसे? ₹420 मिला। बस यही सॉल्व कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा 4 × 8x, तो ये हो जाएगा 8x/100। प्लस यहां पर करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 × 10 कितना हो जाएगा? 5 × 10, 10 का 5,000 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 50,000। होगा कि नहीं होगा? 10 माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे, 10 का x से गुणा करोगे हो जाएगा 10x बटे कितना हो जाएगा हमारा? ये हो गया 100, ठीक, बराबर 420। ये अब इसी को हमें सॉल्व कर लेना है, बहुत ही आसानी से हमें क्या कर लेना है इसको, यहाँ पर हमारा 100 हो जाएगा एलसीएम यानी कि लासा, 100 हमारा क्या हो गया? लासा हो गया। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 8x, सही है, प्लस कितना हो जाएगा? 50,000, ठीक, माइनस कितना हो जाएगा? 10x, बराबर कितना हो गया? 420। बस बहुत ही आसान तरीके से आपको ये क्वेश्चन कर लेना था। ठीक है, तो यहां पर हम करेंगे, देखो ये एक्स है ये भी एक्स है, तो प्लस और माइनस का सॉल्यूशन क्या होता है भाई? माइनस होता है। और साइन कौन सा लगता है? जो बड़े नंबर के आगे हो, तो बड़ा नंबर तो हमारा 10 है, इसके आगे माइनस है तो माइनस ही लगाएंगे, तो हो जाएगा हमारा 50,000 माइनस 10 में से आठ जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा? 2x/100 बराबर 420। बस हो गया, ठीक। अब यहां पर देखो ये 100 हमारा क्या है? 100 हमारा इधर भाग है ना, तो बराबर की दूसरी तरफ जाने पर क्या हो जाएगा? बराबर की दूसरी तरफ जाने पर क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 50,000, ठीक, माइनस 2x बराबर
42,000, इसका गुणा कर दिया हमने 100 का 420 से गुणा कर दिया तो 42,000 हो गया। अब देखो, नंबर को नंबर के पास लेके आओ और अक्षर को अक्षर के पास लेके जाओ, यानी वेरिएबल जो है वो एक तरफ हो जाएंगे, नॉन वेरिएबल एक तरफ हो, चार एक तरफ, अचार एक तरफ। तो 2x को अगर उधर लेके जाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, और 4,000 मतलब 42,000 को इधर लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा। तो हो जाएगा 50,000 माइनस, ये कितना हो जाएगा 42,000। बताओ बात आई समझ में? तो 2x अगर हम यहां से करते हैं तो 2x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 50,000 में से 42,000 घटाओगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, 8,000 हो जाएगा। बताओ सही है कि नहीं सही है? इतना समझ में आ गया? तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, x बराबर हो जाएगा 8,000/2, 8,000/2, तो 2 × 2, 2 × 4, 8, ये हो गया 0। यानी कि x का मान कितना आ गया हमारा, 4,000 x का मान आ गया। मतलब पहला मूलधन तो हमको मिल गया। देखो पहला मूलधन हमने क्या मान रखा था, पहला मूलधन हमने x मान रखा था, दूसरा क्या मान रखा था, 5,000 माइनस x मान रखा था, यही तो था। तो अगर हम देखें तो ये जो पहला भाग है इसका, ये तो हमारा 4,000 आ गया, और दूसरा भाग कितना हो जाएगा, 5,000 माइनस 4,000, ये होगा कि नहीं होगा? तो 5,000 में से 4,000 घटाओगे कितना हो जाएगा भाई, 1,000 हो जाएगा। समझ में आया? 1,000। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन में पूछ रहा था कि इनके मतलब मूलधनों का अनुपात क्या होगा। तो यानी पहले का मतलब ये हो जाएगा, और दूसरे का, पहला मूलधन और दूसरा मूलधन, इन्हीं का अनुपात। तो पहले का कितना है 4,000, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 4,000 लिख देंगे, और ये कितना है 1,000, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1,000 लिख देंगे। बताओ भाई बात आ गई समझ में? अब यहाँ पर इसी को सिंप्लीफाई कर लो, इस जीरो से ये जीरो को कट कर दो, इस जीरो से इस जीरो को कट कर दो, और इस जीरो से इस जीरो को कट कर दो, तो कितना आ गया हमारा, 4/1। तो मतलब यहाँ पर अगर देखोगे तो इनका अनुपात कितना होगा, इनका अनुपात हो जाएगा 4:1 का, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो अगर इसमें तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है। अगर मैं ऑप्शन देखता हूँ 4:1, तो इसका मतलब यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बात आ गई समझ में? बिल्कुल इसके पहले 52 की तरह ही है, बस इसमें क्या निकालना था, हमें अनुपात निकालना था। ठीक है, तो ये 53 क्वेश्चन इस तरह से लगेगा। अब हम अगली जो अगली क्लास है उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे 54 क्वेश्चन। ठीक है, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तुरंत चले जाइए डिस्क्रिप्शन पे। लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके तब डिस्क्रिप्शन में जाइए, और वहाँ पर आपको 54 का लिंक मिल जाएगा। ठीक है बच्चा, चलो फिर जल्दी से आ जाओ उस वाली लिंक पे, डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, चलो मिलते हैं वहीं पर।